हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटेड कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में एक जबरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इतना जबरदस्त क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम सबसे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल एक इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे हम डिमांड जोन आइडेंटिफाई करेंगे, फिर यहाँ पे हम सपोर्ट जोन आइडेंटिफाई करते हुए एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करेंगे। अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम प्रोफाइल हमें क्या बताएगा कि किसी पार्टिकुलर लेवल पे हमें कितना वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, वो हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देगा, जिससे हमें ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में आसानी होगी। कैसे आसानी होगी, जब हम चार्ट पे आएंगे तो इसको और एक्सप्लेन करेंगे। वही डिमांड जोन हमें क्या बताएगा, ये भी बताएगा कि किसी पार्टिकुलर लेवल पे बायर्स में कितना डिमांड है, यानी बायर्स में कितना डिमांड है वो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम सपोर्ट लेवल को इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें देखना है कि सपोर्ट लेवल से प्राइस में रिवर्सल आ रहा है कि नहीं आ रहा। सपोर्ट लेवल से प्राइस में रिवर्सल आएगा तभी यहाँ पे हम ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे, तभी हम इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज करते हुए अपने लिए ट्रेड इनिशिएट करते हुए प्रॉफिट बनाएंगे। चलिए इस इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को समझते हैं। यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए और ये जो चार्ट है आपका अदानी इंटरप्राइजेस का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम मल्टीपल फैक्टर को इंक्लूड करें, इसलिए यहाँ पे हमें जो चार्ट चाहिए उसमें हमें मैच्योरिटी दिखना चाहिए, यानी इसलिए यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम वाला चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उससे नीचे नहीं जाना। मतलब इसके बदौलत हम यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हम पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी इनिशिएट कर सकते हैं। मतलब इसका इस्तेमाल स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग में कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम इंट्राडे में नहीं करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हम किस किस चीज का इस्तेमाल करें, सबसे पहले ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, ये है आपका वॉल्यूम प्रोफाइल। अब ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। बाकी वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर हमने डिटेल वीडियो बना रखा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, पहले आप वो वीडियो को देख लीजिए, नहीं तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो वॉल्यूम प्रोफाइल देख सकते हैं, हमें बताता है कि कौन से पार्टिकुलर लेवल्स पे कितना वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा। अगर किसी पार्टिकुलर एरिया पे हाई वॉल्यूम है, दैट मीन्स ये आपका हाई वीपी हाई वॉल्यूम प्रोफाइल एरिया हो गया, यानी वॉल्यूम प्रोफाइल को हम शॉर्ट में वीपी भी लिखते हैं। हाई वीपी एरिया का मतलब है कि यहाँ पे हमें ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे ज्यादा आइदर बायर्स एक्टिव है या फिर सेलर्स एक्टिव है। जैसे हम अभी करंट प्राइस को इंक्लूड करके देखते हैं, प्राइस आपका यहाँ पे मूव कर रहा है और यहाँ पे हमारा हाई वीपी एरिया है। अब देखिए प्राइस क्या किया, हाई वीपी एरिया को रिस्पेक्ट किया, इसके नीचे नहीं जा रहा, दैट मीन्स टू यहाँ पे हमें ज्यादा एक्टिविटी तो देखने को मिल रहा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा एक्टिविटी कौन कर रहा, बायर्स ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट मीन्स टू ये हाई बीपी एरिया सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। अब इसके नीचे प्राइस आएगा तो यहाँ पे भी हमें ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिलेगा, ये भी काफी हद तक सपोर्ट के रूप में डेवलप होता हुआ दिख सकता है। अब यहाँ पे आने का मतलब है कि दो काम हो सकता है, आइदर यहाँ से रिवर्सल लेगा या फिर इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा, यानी किसी भी कंडीशंस में यहाँ पे हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये मोमेंटम फाइंड करने का भी एक बेहतरीन तरीका है। और उसके नीचे यहाँ पे भी आपका हाई बीपी एरिया, यहाँ पे भी सेम काम होता हुआ दिखेगा, आइदर रिवर्सल या फिर ब्रेकडाउन, यानी यहाँ पे हमें ज्यादा एक्टिविटी ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा और हमें मार्केट में बस यही चीज फाइंड करना है। अब देखिए इसके हम हिस्टोरिकल डेटा को देखते हैं। अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी हाई बीपी एरिया फॉर्म हो गया, अब प्राइस आपका यहाँ पे एक पार्टिकुलर रेंज में मूव करता हुआ दिख रहा और फाइनली इसको ब्रेक करके ऊपर निकला, प्राइस आपका ऊपर गया, मतलब यहाँ पे हमें क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया यहाँ पे क्या फॉर्मेशन किया है, ये यहाँ पे एक डिमांड जोन का फॉर्मेशन किया, यानी यहाँ पे एक डिमांड जोन फॉर्म हुआ है। और एट द सेम टाइम डिमांड जोन के जस्ट नीचे इस पार्टिकुलर एरिया पे हमें क्या फॉर्मेशन देखने को मिला है, एक सपोर्ट लेवल भी जनरेट होता हुआ दिखा है और ये आपका साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास, यानी 3000 के आसपास यहाँ पे हमें एक सपोर्ट लेवल भी जनरेट होता हुआ दिखा। मतलब यहाँ पे हमने सारे को इंट्रोड्यूस कर दिया, वॉल्यूम प्रोफाइल, डिमांड जोन, सपोर्ट, लेकिन यहाँ पे हमें एंट्री नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें एंट्री कहाँ पे करना है, जब वापस से प्राइस आपका ऊपर जाएगा,
और उसके बाद नीचे आएगा, यानी जब प्राइस आपका नीचे आएगा और इस हाई वीपी एरिया को टच करेगा या फिर जो हमारा सपोर्ट लेवल डेवलप हुआ है उसको टच करेगा, तब यहाँ पे हम ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में हम कुछ नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं कि प्राइस नीचे आ रहा है और वीपी एरिया या फिर सपोर्ट को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा। प्राइस नीचे आया और जहाँ पे हाई वीपी एरिया है वहीं पे ये सपोर्ट लेता हुआ दिखा और उसके नीचे जो सपोर्ट लेवल डेवलप हुआ है 3000 का उसको भी ये रिस्पेक्ट कर रहा है। मतलब दोनों चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर ये आपका हाई वीपी के थोड़ा सा नीचे भी चला जाए और इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, मतलब इस पार्टिकुलर लेवल के आसपास भी हमारा डिमांड जोन जनरेट हो सकता है। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है कि यहाँ पे डिमांड जोन जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हमारे सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। तो इस वेट कैंडल को छोड़ के बाकी सारा कैंडल को देखो, तो जो भी आपका इस लेवल के नीचे गया उसमें लॉन्ग टेल एट द बॉटम दिख रहा है। लॉन्ग टेल एट द बॉटम का मतलब है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो काफी हद तक हमें कमजोर दिख रहे हैं और एट द सेम टाइम जो बायर्स हैं वो धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ गेन करें, ये चीज मैं आपको पिछले कई वीडियो में बताया हूँ। तो ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे सेलर्स कमजोर हुए हैं, लेकिन प्राइस आपका एक पार्टिकुलर रेंज में ही मूव करता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद अगर हम इस वेट कैंडल के हाई और लो को मार्क करें तो सारा का सारा आपका इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी यहाँ पे काफी हद तक हम चार्ट पैटर्न को भी यूज करते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे आपको अपना माइंड एक्टिव रहना, जो भी कुछ सिचुएशन मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यानी अब यहाँ पे जो हमें बाई करना होगा इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर निकलता है तो हमें क्लियरली आइडिया मिल जाएगा कि ये हमारा डिमांड जोन जनरेट हुआ, फिर हम इसके जस्ट ऊपर ही एंट्री लेंगे। जैसे यहाँ पे प्राइस ऊपर निकला तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा क्या, एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट बन जाएगा और इसका जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा हमारे लिए एसएल बन जाएगा। तो इस तरीके से हम वेल डिफाइंड एसएल के साथ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे और जहां से प्राइस आपका नीचे गिरा यानी प्रीवियस स्विंग हाई जो भी है या फिर जहां पे भी हाई वीपी एरिया देखने को मिल रहा है, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, टारगेट प्राइस के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा। तो देखिए वीपी एरिया हमें यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी जनरेट करके दिया है, यानी यहाँ पे हमें डिमांड जोन भी जनरेट करके दिया है और एट द सेम टाइम जब प्राइस आपका ऊपर गया तो हमें टारगेट आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प किया, यानी जो हमारा हाई वीपी एरिया है वो मल्टीपल रोल प्ले करता है, कोई एक वेल डिफाइंड रोल इसका नहीं है, अलग अलग तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एंट्री पॉइंट फाइंड करने में, सपोर्ट लेवल फाइंड करने में, रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने में, टारगेट प्राइस फाइंड करने में, मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसे ही आपको सिंपल तरीके से, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आपको चार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन जब आप समझ गए होंगे इसका इस्तेमाल काफ़ी आसानी से कर सकते हैं और ये आपको हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड देगा क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीपल फैक्टर को इंक्लूड कर रहे हैं। बाकी इसके ऊपर अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर आंसर किया जाएगा। और वीडियो कैसा लगा या फिर और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी हमें बता सकते हैं, हम उस पर भी बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं और यहाँ पे हम आ गए महिंद्रा एंड महिंद्रा के डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। और यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस डिटेल से स्टडी करना फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, यानी जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक, तो उसके लिए हमने स्पेशल सा कोर्स डिजाइन किया, उसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप एक्यूरेट कम्युनिटी को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके जरूर विजिट कीजिए, अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप उसको इनरोल कर सकते हैं। और वहाँ पे इस तरह से हमने कोर्स को डिजाइन किया कि आप एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर या फिर स्टॉक मार्केट में पार्ट टाइम कैरियर भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ फाइंड करना है, यानी यहाँ पे वीपी डैट मीन्स टू वॉल्यूम प्रोफाइल, फिर हम डिमांड जोन आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, इन तीनों के बेसिस पे हम अपने लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना, हाई वीपी एरिया। अब यहाँ पे देखिए प्राइस आपका हाई वीपी एरिया करीब आया और यहाँ पे आपका एक रेंज बाउंड मूव दिखाने लग गया है और इसके नीचे आपका एक सपोर्ट एरिया का भी फॉर्मेशन किया, मतलब यहाँ पे हमें एक रेंज बाउंड मूव मिल गया और सपोर्ट मिल गया। अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये हमारा डिमांड जोन फॉर्मेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए प्राइस आपका यहाँ से ऊपर साइड की तरफ निकल गया, मतलब यहाँ पे हमारा ये जो एरिया जनरेट हो रहा था ये डिमांड जोन जनरेट हो रहा था और ये आपका हाई वीपी एरिया के आसपास है, दैट मीन्स ये वाकई डिमांड जोन जनरेट हो रहा था। अब हमें क्या देखना है कि वापस से प्राइस नीचे आए और जो हमारा हाई वीपी एरिया उसके करीब आए या फिर जो हमारा सपोर्ट लेवल हो उसको रिस्पेक्ट करे। तो अब देखिए प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आया और यहाँ पे सपोर्ट लेवल है,
तो एक आपका ग्रीन कैंडल बना है लॉन्ग टेल एट द बॉटम, और ये हमें क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया है जो सेलर्स हैं ये यहाँ पे कमजोर हैं और जो बायर्स हैं वो काफी हद तक स्ट्रांग होते जा रहे हैं, अभी स्ट्रांग हुए नहीं है। तो इस पर्टिकुलर रेंज के हाई को मार्क करेंगे, ये रेंज का हाई हो गया और इस तरीके से हम मार्क कर लिए। अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया और जैसे इसके ऊपर निकला हमें क्लियर कट पता चल गया कि ये जो एरिया बना था ये वापस से आपका डिमांड जोन का फॉर्मेशन किया था, कहाँ पे, जहाँ पे आपका हाई वीपी था वहाँ पे, और ये हमारा जो सपोर्ट लेवल था उसको भी रिस्पेक्ट किया, उसको ब्रेक नहीं किया। अगर दोनों में से कोई एक भी ब्रेक हो जाता, अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे चला जाता, दैट मीन्स टू ये अब आपका सपोर्ट लेवल नहीं रह गया, ये आपका रेजिस्टेंस में फॉर्मेशन हो जाता, फिर ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को हम वहीं पे अवॉइड कर देते। तो जो भी तीन फैक्टर है सबको रिस्पेक्ट होना जरूरी है। उसके बाद प्राइस जैसे ही इसके ऊपर निकला हम यहाँ पे बाय साइड की तरफ एंट्री ले लेंगे, प्रीवियस स्विंग है हमारा, पहला टारगेट काम करेगा, तो यहीं पे आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ आपको समझने की जरूरत है, यहाँ पे अगर हम SL रखेंगे इसके लोएस्ट पॉइंट पे तो हमारा SL बिग हो जाएगा और टारगेट स्मॉल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करेंगे। अब हम चाहें तो इस कैंडल के लोएस्ट पॉइंट के आसपास या नहीं तो जो आपका हाई बीपी एरिया है, हाई बीपी एरिया के आसपास भी हम अपना SL रख सकते हैं, स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस को थोड़ा बहुत आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने मॉडिफिकेशंस करते हुए हाई बीपी एरिया के आसपास या फिर उससे जस्ट नीचे हम अपना वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस रख देंगे। तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखने के लिए भी मल्टीपल फैक्टर आपको मिल जाएगा, आपका एक सपोर्ट लेवल मिल जाएगा, आपका एक हाई बीपी एरिया मिल जाएगा, तो रिस्क को देखते हुए अपने लिए स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड लगा सकते हैं। तो ऐसे ही आपको प्रॉफिट बनाने की जरूरत है। वापस से प्राइस इसके करीब आया, वापस से हम जैसे ही प्राइस ऊपर निकला इस लेवल के आसपास हम एंट्री ले सकते हैं और हम वापस से इस टारगेट प्राइस के लिए जाएंगे, और यहां से जैसे ही प्राइस नीचे आने लग गया तो हम यहां पे चाहे तो एग्जिट करके निकल भी सकते हैं। एनी हाउ प्रॉफिट कम मिलेगा लेकिन यहाँ पे हमें आसानी से प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाएगा, या फिर हम हाई बीपी एरिया के आसपास भी निकलते हैं फिर भी हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट आसानी से मिलता हुआ दिख जाएगा, या नहीं तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट में रहेंगे, ज़्यादा हमें नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अगर ये आपका बाई चांस कभी फ्लॉप भी होता है तो ये ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं देगा, हमारा छोटा सा SL रहेगा, वही SL हिट होता हुआ यहाँ पे दिखेगा। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो वापस से बता रहा हूँ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर आंसर किया जाएगा। वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इनकरेज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।